फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश टैरो कार्ड रीडर। थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश टैरो कार्ड रीडर का बहुत बहुत नमस्कार सभी को। आपके सामने है वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के लिए प्रिडिक्शन। सबसे पहले जो है पोलिंग डेट्स अलग अलग आठ भागों में होने वाली है, आठ फेजेस में होने वाली है पोलिंग। तो कौन से फेज में किस किस को फायदा होने की संभावना है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो ममता, तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और फिर बचे कुचे में कांग्रेस, लेफ्ट वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले 27 मार्च के दिन जो पोलिंग होने वाली है, फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग, उसमें ममता का गढ़ बचेगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। स्लाइट एडवांटेज बीजेपी, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो है कांग्रेस लेफ्ट। ये तीसरे चौथे नंबर पे जाएंगे या कहीं के नहीं रहेंगे ये, लेकिन हाँ ममता अपना जो उनके जो खास एरिया है वो शायद बचा ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छा खासा फायदा होते हुए दिख रहा है। एडवांटेज बीजेपी फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग। फिर सेकंड फेज ऑफ पोलिंग जो कि 1 अप्रैल को है, इसमें एडवांटेज ममता एंड एडवांटेज जो बचे कुचे हैं कांग्रेस लेफ्ट वगैरह, इसमें इनको ज़्यादा एडवांटेज दिख रहा है। और बीजेपी इसमें सेफ इसमें रहेगी, यानी बीजेपी का जो कोर सीट्स हैं इस सेकंड फेज ऑफ पोलिंग में, वहाँ पे वो सेफ जोन में रहेगी। बट यहाँ पे ममता को फायदा होगा और कांग्रेस लेफ्ट को फायदा होगा सेकंड फेज ऑफ पोलिंग में। फिर थर्ड फेज ऑफ पोलिंग, एस ऑफ वॉन्ट्स फॉर ममता, थर्ड फेज है 6 अप्रैल को, एस ऑफ वॉन्ट्स फॉर ममता बट 8 ऑफ वॉन्ट्स फॉर बीजेपी और 4 ऑफ कप्स फॉर कांग्रेस। सो यहाँ पे अगेन बीजेपी को साफ साफ फायदा होते हुए दिख रहा है थर्ड फेज ऑफ पोलिंग में। ममता को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बट कितना कुछ खास नहीं कर पाएंगी थर्ड फेज ऑफ पोलिंग में। फिर आती है बात फोर्थ फेज ऑफ पोलिंग, यहाँ पे ममता गई आउटराइट। फोर्थ फेज ऑफ पोलिंग जो रहेगा इसमें ममता बहुत बुरी तरह से पिछड़ने वाली है और आउटराइट विनर रहेगी बीजेपी। बीजेपी विल बी आउटराइट विनर। कहीं कहीं जो कांग्रेस लेफ्ट की जो पारंपरिक सीटें हैं, कहीं कहीं वो अपनी सीटें बचा पाएंगी, बट अदरवाइज जो ये फोर्थ फेज ऑफ पोलिंग है उसमें आउटराइट विनर बीजेपी रहेगी। फिर बात आती है फिफ्थ फेज ऑफ पोलिंग जो कि 17 अप्रैल को है, इसमें ममता चमकेगी, तृणमूल कांग्रेस आगे रहेगी, बीजेपी को नुकसान है इसमें, अच्छा खासा नुकसान, और कांग्रेस और लेफ्ट और जो भी बचे कुचे हैं वो भी अपनी जगह बरकरार रखेंगे, अच्छा करेंगे, बट यहाँ पे साफ साफ फायदा ममता को हो रहा है। सो ये जो पांच फेजेस हैं इसमें 3 में बीजेपी को अच्छा होते हुए दिख रहा है, 2 में ममता को अच्छा होते हुए दिख रहा है, और कांग्रेस और लेफ्ट वगैरह और जो भी मिसेलेनियस कह सकते हैं हम उनको, वो केवल 1 में कुछ अच्छा करते हुए दिख रही है सेकंड फेज में, बाकी ओके सो नॉट, यानी इतना अच्छा नहीं होगा कि एज गुड एज विनिंग द सीट्स या कन्वर्टिंग देयर वोट्स इनटू सीट्स। तो
तीन में बीजेपी को फायदा, दो में ममता को फायदा दिख रहा है इस समय। अब देखते हैं कि आगे 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल के डेट्स को क्या होने वाला है। अब बात आती है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को जो है सिक्स फेज ऑफ पोलिंग है वेस्ट बंगाल में, उसमें रिस्ट्रिक्टेड रहेगा ममता बनर्जी का इफेक्ट और इम्पैक्ट, कुछ उनके जो खास जगह है वहीं रहेगा, बाकी की नहीं। बीजेपी भी ओके करेगी अगेन इन सेफ जोन, और कांग्रेस और लेफ्ट भी जो उनकी खास सीटें हैं इसमें उसमें वो चैलेंजेस रहेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। सो ये जो 22 अप्रैल का जो है इसमें वोट्स काफी बटने वाले हैं। अब इसका फायदा किसको होता है वो हमको बाद में मालूम पड़ेगा, बट यस ये एक ऐसा फेज ऑफ पोलिंग है जिसमें किसी को भी आउटराइट फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। सो ये जिन जिन सीटों पे ये होने वाला है ना उसमें जो मार्जिन हार जीत का जो मार्जिन रहेगा वो काफी कम हो सकता है। अब 26 अप्रैल को क्या होने वाला है, ममता बनर्जी की पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ये 26 अप्रैल के दिन जो सेवंथ फेज ऑफ पोलिंग है उसमें, लेकिन बीजेपी का भी कम नहीं रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा। बीजेपी का जो कोर एरियाज हैं उसमें गेन करेंगी, वोट शेयर में भी गेन करेंगी और एक स्टेबल अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और कांग्रेस और लेफ्ट भी अपनी जो है प्रेजेंस फेल्ट करवाएंगी, बट अगेन जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये वोट कटुआ का ही काम करेंगे, ये जो पार्टीज है कांग्रेस और लेफ्ट ये इन चुनाव में वोट कटुआ के अलावा और कुछ नहीं करने वाले, ये वोट कटुआ बन के रह जाएंगे। फिर लास्ट फेज ऑफ पोलिंग 29 अप्रैल, ममता बनर्जी थ्री ऑफ सोर्स फिनिश, बिल्कुल भी फायदा नहीं। बीजेपी आउटराइट फायदा और हाई प्रेस्टिज कार्ड फॉर कांग्रेस। तो अब ये कार्ड बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। सो जो एक ये है ममता, शायद ये किसी एजेंडे के तहत ये सब चल रहा है कांग्रेस और लेफ्ट का कि ममता को कट डाउन करना, जिस तरह का ममता का कद बड़ा है उसको कट डाउन करना, सो दैट जो 2024 है उसमें ममता कांग्रेस का आधिपत्य स्वीकारे, कांग्रेस की लीडरशिप को स्वीकारे और उनकी जो प्रधानमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है वो खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ये लेफ्ट और कांग्रेस का एक मिलाजुला कुछ एजेंडा दिखता है यहाँ पे कि ममता का कद कट डाउन करना, और शायद उसमें वो सफल होते हुए दिखेंगे क्योंकि वो काम उनका अल्टीमेटली वोट कटुआ का ही रहेगा इस चुनाव में। सो पहले जो पांच फेज थे उसमें तीन में बीजेपी, एक में दो में ममता थी, यहाँ पे एक में ममता को एडवांटेज है लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं है, और एक में ममता को क्लियर कट डिसएडवांटेज है लास्ट फेज ऑफ पोलिंग में, बीजेपी को क्लियर कट एडवांटेज है। सो बीजेपी 4, ममता 3 और 1 जो है वो आप बराबर से बटा हुआ। सो यहाँ पे कांटे की टक्कर है और यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा हार जीत का वो रहेगा इनकी वजह से, ये कितने वोट खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या होता है। लेकिन यस कांटे की टक्कर है, ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि बीजेपी 200 से ऊपर सीटें लेके आएंगी या ममता बनर्जी आउटराइट 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी लेके आएगी। नो, बिल्कुल नहीं।
ना तो ममता बनर्जी आउटराइट मेजोरिटी लेके आते हुए दिखती है, ना ही बीजेपी 200 के ऊपर सीटें लेके आते हुए दिखती है। तो चलिए देखते हैं कि जो मेन लीडर्स हैं बंगाल्स के, उनका 2 मई 2021 का दिन कैसा रहेगा, जिसमें कि दिनेश त्रिवेदी, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, फिर अधीर रंजन चौधरी और दिलीप घोष। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए, 2 मई 2021 का दिन, वोट काउंटिंग डे, वेस्ट बंगाल के 4 इम्पोर्टेंट लीडर्स के लिए मैंने ये चेक किया है कि उनका दिन कैसा रहेगा दो दो घंटे के हिसाब से, तो एक आइडिया आता है। सबसे पहले हैं दिनेश त्रिवेदी, फिर शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी और फिर है अधीर रंजन चौधरी। अभी देखिए, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि मुझे कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और लेफ्ट और इनका एक मिला जुला गेम नजर आया, वोट कटुआ का काम करने का और ममता का कद छोटा करने का, तो कहीं ना कहीं वो ये अधीर रंजन चौधरी के कार्ड से समझ में आता है। ये उनकी उनका उद्देश्य क्या है वो समझ में आता है इन कार्ड्स को देख के। अब सबसे पहले दिनेश त्रिवेदी, सुबह 8 से 10 और ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ममता बनर्जी लीड लेते हुए दिखती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस स्टार्टिंग में लीड लेते हुए दिखती है और कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन 10 से 12 के बीच में देखिए, दिनेश त्रिवेदी के कार्ड, शुभेंदु अधिकारी के कार्ड, ममता बनर्जी का कार्ड, यानी यहाँ पे 10 से 12 के बीच में पासा पलटेगा और भारतीय जनता पार्टी ऊपर रहेगी और ममता बनर्जी कंपटीशन में रहेगी, फाइट करेगी, लेकिन बीजेपी आगे रहेगी। और यहाँ पे ये देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेजेंस नजर आता है सेकंड फेज में, सेकंड जो 10 से 12 का पीरियड है। फिर यहाँ पे देखिए, दिनेश त्रिवेदी के लिए 1 कार्ड, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, यानी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे क्लियर कट है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम ना होना 12 से 2, लेकिन यहाँ पे तो टोटल डिसअपॉइंटमेंट और यहाँ पे इनको थोड़ा फायदा होते हुए दिखता है। यानी ये जो लेफ्ट और कांग्रेस की जो असुरी शक्तियां हैं, इनकी इनको फायदा होते हुए दिखता है। और फिर 2 से 4 दिनेश त्रिवेदी, इनका ये जो है शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी और कांग्रेस प्लस लेफ्ट, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टार्टिंग में ममता की पार्टी लीड जरूर ले लेगी, लेकिन धीरे धीरे करके उनकी लीड खत्म होगी और आउट एंड आउट दिखता है कि मेजोरिटी से काफी दूर रहने वाली है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। और ये जो असुरी शक्तियां हैं, इनका ये जो वोट काटने का काम करेंगी, उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होते हुए दिखता है। अब देखते हैं आउटकम कार्ड्स कि क्या होता है। सरकार बीजेपी की, यहाँ पे तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा अभी तक कि 8 फेज पोलिंग में से 4 फेस में ममता को फायदा है, 3 फेस में बीजेपी को फायदा है और लेफ्ट और कांग्रेस को भी कुछ कुछ फेसेस में फायदा हो रहा है। फिर 2 मई 2021 का दिन हमने देखा कि ममता बनर्जी का अच्छा नहीं है बहुत, सुबह 10 बजे के बाद का, लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बहुत अच्छा है बाद का।
साथ में बीजेपी के नेताओं का भी अच्छा है ही, बट कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी बहुत अच्छा है। अब यहां पे एक ट्विस्ट दिखता है मुझे, वो ट्विस्ट क्या? अभी तक की जो रीडिंग है उससे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि मामला एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का है, नेक टू नेक फाइट का है। इसमें अगर बीजेपी ये बोलती है कि 200 प्लस सीटें आ जाएंगी तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इधर ओपिनियन पोल वाले दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी बहुमत ले आएगी, बिल्कुल नहीं लाएगी, बहुमत नहीं लाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां बहुमत नहीं ला पाएंगी, बहुमत से थोड़ा बहुत दूर। आपने एमपी इलेक्शन आपको याद होगा, 5-6 सीटों से डिफरेंस से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई थी। उसमें भी जो 5-6 निर्दलीय लोग थे या बसपा के एक दो, ऐसे मिला के उन्होंने सरकार बना ली थी। उसी तरह का कुछ यहां पे नजर आता है। अब यहां पे जो होते हुए दिख रहा है मुझे वो ये है कि दोनों ही, ना तो बीजेपी ना तृणमूल कांग्रेस, दोनों को ही बहुमत नहीं मिलेगा। और जो चाबी रहेगी सत्ता की, वो जो कांग्रेस लेफ्ट और ये मिसेलेनियस लोग रहेंगे ना, इनके हाथ में रहेगी। और ये ऊंट किस करवट बैठेगा उसके ऊपर डिसाइड होगा कि सरकार बंगाल में बीजेपी की बनेगी या ममता की बनेगी। क्योंकि ममता बनर्जी के इंडिविजुअल कार्ड्स अच्छे नहीं है, बट लेफ्ट और कांग्रेस और मिसेलेनियस लोगों के सपोर्ट से कहीं वो फिर से बहुमत हासिल करके सत्ता बना अपनी फिर से सत्ता में आ सकती हैं। यहाँ पे साफ साफ इंडिकेशन है। और कहीं ना कहीं बीजेपी बहुमत से थोड़ी सी दूर नजर आती है। सो ये जो मिसेलेनियस है, इनको कौन पहले अपने कंट्रोल में लेता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार किसकी बनती है। जो कम से कम इस समय तो साफ साफ नजर आता है कि बहुमत किसी को भी नहीं मिल रहा है। अब 29 अप्रैल 2021 के दिन जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, एक बार फिर से मैं चेक करूंगा कि 2 मई 2021 के दिन क्या ममता बनर्जी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या ममता बनर्जी की सरकार लेफ्ट और कांग्रेस के सपोर्ट से बनेगी। थैंक यू।